Hello students, assalamu alaikum. Today we start the lecture for class 8, and today's we have the topic is controlling the current. Student, किसी भी circuit में हम current को कैसे control कर सकते हैं? So in this topic we shall discuss the how we can control the current in any electronic circuit. So students, to control the flow of current we can use the resistor. स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम किसी करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछेगा व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर का क्या फंक्शन है, कि रेजिस्टेंस हम सर्किट में क्यों यूज़ करें, वाई रेजिस्टर आर यूज इन सर्किट, या व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर, कि रेजिस्टर का क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसलिए यूज़ करें कि जिससे हम फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकें। मीन्स करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम टर्म रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है कि हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म करंट, करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो चार्जेस फ्लो करें, इस चार्जेस की फ्लो को हम नाम देते हैं करंट। मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर यूनिट टाइम। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो चार्जेस फ्लो करें किसी टाइम के लिहाज से, इसको हम नाम देते हैं करंट। एक तो हमारे पास सवाल है कि करंट है क्या, उसके बाद हमारे पास सवाल है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं मूव कर रहे हैं, इस चार्जेस की फ्लो को पर टाइम को हम नाम देते हैं करंट। मीन्स करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रॉन करंट। उसके बाद हमारे पास सवाल ये हो रहा है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट, रेजिस्टर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हम फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकें। आप लोग लिखोगे ए रेजिस्टर कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, करंट की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है रेजिस्टर आर यूज टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सो रेजिस्टर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सो दैट द राइट अमाउंट ऑफ करंट इज फीड टू डिफरेंट कंपोनेंट टू मेक देम वर्क प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, हम रेजिस्टर इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं कि जैसा हमारा चार्जेस आसानी से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर सकें। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट टर्म आ रहा है कि वेरिएबल रजिस्टर का, वेरिएबल रजिस्टर का क्या फंक्शन होता है। स्टूडेंट, इस वेरिएबल रजिस्टर के लिहाज से हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मीन्स करंट को हम वेरी कर सकते हैं। आप लोग क्या लिखोगे स्टूडेंट, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, आप लिखोगे ए वेरिएबल रजिस्टर कैन बी यूज टू एडजस्ट आर टू वेरी द करंट फ्लो इन सर्किट। मीन्स किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम जो है वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। सो द वेरिएबल रजिस्टर हैज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट, वेरिएबल रजिस्टर को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। इसमें होता क्या है, इज द कॉन्टैक्ट मूव, जैसा जैसा कॉन्टैक्ट मूव करेगा इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ रजिस्टर वायर की, वायर के हमारे पास लेंथ होगा, इसमें क्या होगा रजिस्टेंस कनेक्ट होगा, और जब रजिस्टेंस कनेक्ट होगा ये जो हमारे पास सर्किट है कनेक्टेड इन द सर्किट चेंज, सो द करंट चेंज, जैसा जैसा हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। सो उसके साथ साथ हमारे पास डिमर स्विच यूज़ हो रहे हैं, वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, डिमर स्विच हमारे पास सिनेमाज में यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास सीलिंग फैन में यूज़ हो रहे हैं, और हमारे पास सर्किट में यूज़ हो रहे हैं आर द वेरिएबल रजिस्टर। स्टूडेंट, हमारे पास जो डिमर जो स्विच यूज़ हो रहे हैं वो हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सीलिंग फैन हो गया, स्विच हो गया, सिनेमाज हो गया, वहाँ पर हम इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, नीचे दिए हुए हमारे पास दो डायग्राम हैं, ये हमारे पास दो जो फिगर आप लोग देख रहे हो, हमारे पास ये दोनों जो है वेरिएबल रजिस्टर के हमारे पास क्या डायग्राम है। स्टूडेंट, हमारे पास ये रजिस्टर है और ये दोनों डायग्राम आप लोग फिगर देख सकते हो, रजिस्टर एंड सिंबल फॉर रजिस्टर, ये हमारे पास रजिस्टर के सिंबल हैं, और नीचे हमारे पास जो दो डायग्राम वो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर की डायग्राम है।
सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट रेजिस्टर। क्या है स्टूडेंट, परफेक्ट रेजिस्टर की भी सेम रेजिस्टेंस होता है। जैसा आप लोग इसे डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो हमारे पास कह रहा है करंट थ्रू रेजिस्टर चेंज इज द वोल्टेज चेंज। स्टूडेंट, किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो वोल्टेज डायरेक्ट नस्बत है। प्रोपोर्शनलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, अगर किसी सर्किट में करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। स्टूडेंट, अगर किसी सर्किट में करंट डबल होगा तो वोल्टेज भी डबल होगा, अगर करंट हाफ होगा वोल्टेज हाफ होगा, अगर करंट सिक्स टाइम इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी सिक्स टाइम इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास करंट है ना, वोल्टेज है डायरेक्ट नस्बत है। इसमें डायरेक्ट नस्बत का मतलब ये है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। सो स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ड्रा किया है और हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है इस पे हमने करंट ड्रा किया है। स्टूडेंट, ये जो आप लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख रहे हो जहाँ पे डॉट डॉट सर्कल लगे पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि वोल्टेज और करंट की जो नस्बत है वो डायरेक्ट नस्बत है। इसके डायरेक्ट नस्बत का मतलब है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी हमारे पास डिक्रीज होगा। स्टूडेंट, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक टर्म लिखा पड़ा हुआ है जिसको आप देख सकते हो कि डिड यू नो। स्टूडेंट, डिड यू नो का क्या मतलब है कि वेरिएबल रेजिस्टर आर यूज्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम। वेरिएबल रेजिस्टर का क्या फंक्शन होता है कि वेरिएबल रेजिस्टर का फंक्शन ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या तो वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका रेडियो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका टेलीविज़न भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका म्यूज़िक सिस्टम हो गया। मीन्स किसी भी म्यूज़िक सिस्टम की या किसी भी रेडियोज़ की किसी भी टेलीविज़न की वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हम स्पेशली जो है वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ करें। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम वेरिएबल रेजिस्टर क्यों यूज़ करें, आप लोग इसको देख कह सकते हो वेरिएबल रेजिस्टर आर यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम। मीन्स कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वॉल्यूम कंट्रोल करेगा, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया और म्यूज़िक सिस्टम हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों को जो डायरी है, सबसे पहले आप लोगों को जो डायरी है कि ड्रा द सिंबल फॉर रजिस्टर। आप लोगों को चाहिए कि हमारे क्लास 8 के ग्रुप में एक तो आप लोग रजिस्टर के सिंबल ड्रा करके आप लोग भेज दें क्लास 8 के ग्रुप में। दूसरा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डायरी ये है कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है ना, रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम क्यों यूज़ करें। मीन्स रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम क्यों यूज़ करें, क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है, ये आपको डायरी है। एक तो रजिस्टर का सिंबल क्या है वो आपका सिंबल ड्रा करके हमें ग्रुप में भेज दें। दूसरा, आप लोगों को डायरी ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम रजिस्टर क्यों यूज़ करें। मीन्स रजिस्टेंस को हमें क्यों ज़रूरत पड़े किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रजिस्टेंस को यूज़ करने के लिए। दूसरा स्टूडेंट, आप लोगों के क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरी है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है ना, ये वेरिएबल रजिस्टर रजिस्टर से डिफरेंट क्यों है। मीन्स हाउ डज द वेरिएबल रजिस्टर डिफर फ्रॉम रजिस्टर। फर्स्ट आप लोगों को डायरी है कि ड्रा द सिंबल फॉर रजिस्टर। दूसरा हमारे पास आपके पास डायरी है व्हाई रजिस्टर आर यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। थर्ड आप लोगों को जो डायरी है HW के लिए वो हाउ डज वेरिएबल रजिस्टर डिफर फ्रॉम द रजिस्टर। दूसरा स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप लोगों को डायरी है। कैसे डायरी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट रेजिस्टर एंड द वोल्टेज, के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन कौन सा है। स्टूडेंट, मैंने आपको ये डिस्कस किया है इस डायग्राम में और मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया कि करंट और वोल्टेज के बीच में कौन सा नस्बत है, करंट और वोल्टेज के बीच में कौन सा रिलेशन है, मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट, आज के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं 1, 2, 3 एंड 4 ये आप लोगों को डायरी है। और स्टूडेंट, इसके साथ साथ नीचे अगर आप देख सकोगे आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी इन होम लिखा हुआ है, ये आप लोग को डायरी है। सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ के आएँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको डिफाइन करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।